सो फ्रेंड्स, स्केच करने के बाद यहाँ पे मैं राम जी में कलर करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं लाइट ब्लू का यूज़ करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं डार्क कलर करना स्टार्ट कर दूँगा। पूरे फेस में करने के बाद हम यहाँ पे शेड देंगे लाइट ग्रीन से। अब फुल बॉडी में कलर कर लेंगे। यहाँ पे भी लाइट ग्रीन से शेड देंगे। यहाँ पे हाथ में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब मैं डार्क ब्लू से शेड दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने आंखें बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। लाइट ग्रीन और डार्क ब्लू से मैं पहले शेड दे दूंगा, उसके बाद आंखें बनाऊंगा ब्लैक कलर से। आप चाहो तो यहाँ पे फैबरकास्ट या फिर डॉम्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फैबरकास्ट यूज़ करा है। यहाँ पे तिलक बना लिया मैंने, यहाँ पे लिप्स बना लिए मैंने। यहाँ थोड़ा अच्छे से आँखें बना लेंगे और यहाँ पे कानों में शेड देते हुए माला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर यूज़ करा है, उसके बाद ब्लैक से शेड दिया जिससे पूरा रियलिस्टिक वर्क आता है। सेम प्रोसेस इधर भी कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इनके वस्त्र बना रहा हूँ, जिसमें मैंने रेड ब्राउन और ऑरेंज का यूज करा है। और इसमें थोड़ा शेड दे देंगे। अब मैं यहाँ पे धनुष में पहले आउटलाइन कर लूंगा, उसके बाद इसमें ब्राउन कलर करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे मैं ब्लैक से शेड दे दूंगा, उसके बाद मैं डार्क ब्राउन करूंगा। आप चाहो तो बाद में भी ब्लैक से शेड दे सकते हो, पर इससे रियलिस्टिक काम आता है, इसलिए आप इससे करिए। यहाँ पे मैं पहले ब्राउन कर लूंगा, उसके बाद पूरे उसमें ब्लैक से शेडिंग दे दूंगा, जिससे बाल एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। ब्लैक से शेड दूंगा मैं। यहाँ पे शेड दे देंगे येलो से। सो आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये ड्राइंग कैसी बनी है।